एक गरीब जिसको जमीन तक नहीं है, खाने के लिए रोटी तक नहीं है, उसका बेटा रोड पे सांसद की गाड़ी से ठोकर लगने के बाद मर जाता है, और बेशर्मी देखिए कि उसके दोनों पैरों को उठा के रोड से साइड कर दिया जाता है और सांसद महोदया चली जाती हैं। इस परिवार को आर्थिक या सरकारी नौकरी सरकार सुनिश्चित करे, अगर नहीं करती है तो आने वाले दिन में जन अधिकार पार्टी सड़कों पे आंदोलन करने के लिए विवश हो जाएगी। रोज कहीं ना कहीं गोली चल रही है, और अब तो धन्य हो चुके हैं कि बीजेपी के सांसदों की गाड़ियां भी लोगों को रौंद के चली जा रही है और इस पर सवाल उठाने वाला कोई नहीं है। आज जिस घटना क्रम में मैं सीहोर आया हुआ हूँ, जोखन दास, जोखन भगत और नंदू शाह, ये जो दो परिवार है जिनके दो बच्चों का, ये घटना नहीं है, ये पूरी तरीके से अपराध है। एक ऐसा अपराध जिसको समाज कभी माफ नहीं करेगा, और वो अपराध एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो कि ऊंचे सदन में हमारे सीहोर का जनप्रतिनिधि है। जो मीडिया रिपोर्ट है और जो लोकल बॉडी, जो यहाँ के लोकल लोग हैं, जिनका कहना है कि आदरणीय सांसद, तीन बार की सांसद रामा देवी जी के स्कॉट गाड़ियों से ठोकर लगने के कारण दो युवाओं की, जिसमें एक की मौत हो चुकी है और एक जिंदगी और मौत की लड़ाई मुजफ्फरपुर में लड़ रहा है, तो यह अपराध नहीं है। ये एक ऐसा दुखदायक घटना है। आप देखिए कि जिनका पुत्र मरा है वो पूरी तरह से विकलांग है। 25 तारीख की घटना और आज हम लोग 31 तारीख को बैठे हैं, अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात नहीं हो पा रही है। 7 दिन हो चुके हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक थाने तक नहीं पहुंची है। आप इसको क्या मानते हैं? पूरी तरीके से पावर, सत्ता पक्ष का पावर है जो इस केस को दबाना चाहता है, लेकिन जन अधिकार पार्टी, पप्पू यादव जी की पार्टी, इस घटना को दबने नहीं देगी। इस शिविर में जरूरत पड़ेगी, जो आज हम लोग अल्टीमेटम दे के जा रहे हैं, अगर 2 दिनों के अंदर जो केस, जो FIR हुआ है उसमें 302 नहीं लगाया गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी गई, पीड़ित परिवार को सरकारी मुआवजा नहीं दिया गया और जो युवा है उसको सरकारी नौकरी की बात नहीं हुई, तो हम लोग अनिश्चित काल के लिए भूख हड़ताल इसी शिवहर में करेंगे। ये जन अधिकार पार्टी के बैनर तले नहीं होगा, ये शिवहर की जनता के बैनर तले होगा। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस मुद्दे को अपने अखबारों में और अपने टेलीविजनों पर चलाइए, डरिए मत, सत्ता आज है कल चली जाएगी, लेकिन इस गरीब परिवार की मदद जरूर कीजिए, इस गरीब परिवार के कंधे पे हाथ जरूर रखिए। जब भी कोई नेता स्कॉट से चलता है उसका पूरा रूटीन SP ऑफिस में होता है, और आपके तो संसदीय क्षेत्र का 2 युवक रोड पे मर गया, आपको तो ऐसे भी आना चाहिए नैतिकता के आधार पर इनके कंधों पे हाथ रखने के लिए, अभी तक आप नहीं आए। भोज खाने आइएगा, ब्याह में आइएगा, यही श्राद्ध की, श्राद्ध होगा तो आप आइएगा, लेकिन घटना घट गई और भी आपकी गाड़ी से, तो आप नहीं दिख रही। तो थोड़ी बहुत आर्थिक मदद हो सकती है, हमने अभी किया है, आदरणीय पप्पू यादव जी से भी बात हुआ है, वो भी 4 या 5 को यहाँ पर आ रहे हैं, और जो मदद, आर्थिक मदद, कानूनी मदद जो हो सकता है, सड़क पे जो संघर्ष हो सकता है, वो जन अधिकार पार्टी हर हाल में करेगी।